नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में एक बार फिर पदाधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि दैनिक वेतन भोगी वन कर्मी संघ के बैनर तले वन सुरक्षा कर्मियों के लंबित बकाया मजदूरी का भुगतान करने के लिए वर्षों से कार्यरत दैनिक संविदा अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अस्थायी करने, वन विभाग में वृक्षारोपण मजदूरी घोटाला की उच्च स्तरीय जांच कराने, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला वन परिमंडल पदाधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया है। इससे पूर्व वन सुरक्षा कर्मियों ने लहरियासराय स्टेशन पार्क से सैकड़ों की संख्या में चिलचिलाती धूप में जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व हम श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के दत्ता, संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष कमलदेव सिंह ने किया। इस अवसर पर डीपीओ कार्यालय परिसर में प्रमंडलीय मंत्री पवन कुमार झा की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई, जिससे संबोधित करते हुए मजदूर नेताओं ने डीएफओ की उपस्थिति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना व सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कर दिया है। इस बीच आपको बता दें, जो लोग यहां पर खड़े थे उन्होंने लगातार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लोगों ने लगातार अपने आक्रोश को दिखाया है कि आखिरकार कैसे भी हम गरीब हैं, हमारा वेतन दीजिए, हमारा पैसा वापस कीजिए। इस अवसर पर हम नेता विपिन कुमार दास, हीरा लाल राम कारीगामी, राम दुलारी देवी, मिश्री लाल मंडल, जहाना खातून संघ नेता, ललन मंडल, महादेव पासवान, सरोजानंद झा, मणिकांत मंडल, भोला पासवान, मल्हू पासवान, दुखी रामत कामत, रामसागर मुखिया, सुरेंद्र सिंह, राम सेवक यादव सहित सैकड़ों लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद हैं। जय नगर नेपाल बॉर्डर से। नेपाल बॉर्डर से यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? डीएफ साहब, हम लोग को पैसा वेतन नहीं दिया है। मैं खटवा लिया है, पानी में गाछ लगवा लिया है, सब हमको पैसा नहीं मिला है। एक साल से वेतन नहीं दिया है। बाल बच्चा को सबको दिक्कत होता है, खाने पीने के सबको भोजन के लिए क्या और बीमारी हो जाता है, तो चंदा चिट्ठा लगा के हमको कमाए पैसा नहीं देता है। कुछ ऐसा 12 महीना को तनख्वाह रोका हुआ। मांगने आए हैं? जी, मांगने आए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम ललित यादव। कौन गांव से आए हैं? जय नगर उसराही गांव है। क्या है, मैं प्रमंडलीय मंत्री हूँ और मधुबनी जिला मेरा निवास है। वन विभाग में आज 30 वर्षों से लगभग सभी हमारे साथी काम कर रहे हैं और इन लोगों को कम्बा करके लगभग 1 वर्ष से मजदूरी नहीं दिया जा रहा है। और मजदूरी के नाम पर में आरटीजीएस कहते हैं, जो हम आरटीजीएस कर रहे हैं, लेकिन ये सब अपने भाई भतीजे के नाम पर आरटीजीएस का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकारी आवंटन का गमन करते हैं और मजदूर यहाँ काम करके भूखों मरने पर विवश है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास आए हैं, जो हम लोगों को मजदूरी का भुगतान करें और हमारा उचित। कितने माह का मजदूरी बाकी है? 15, किसी का 15 माह का, किसी का 12 माह का, किसी का 1 वर्ष का। क्या कहा जाता है? कहता है कि सरकार आवंटन नहीं दिया है, इसीलिए भुगतान नहीं हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, सरकार आवंटन कर दिया है? सरकार आवंटन किया है। हम लोगों से काम ले लिया जाता है और मजदूरी का भुगतान नहीं कर किया जाता है। तो इनमें की मिली भगत किसका लग रहा है? वन पदाधिकारी का है। अच्छा, क्या नाम है आपका? पवन कुमार झा। क्या है? हम प्रमंडलीय मंत्री हैं। कहाँ से आए हैं? हम मधुबनी जिला के निवासी हैं, माध्यम से आए हैं। उसके बाद धरना का कार्यक्रम चलेंगे। इससे भी अगर वन प्रमंडल पदाधिकारी नहीं सुनेंगे तो हमारा अगला कार्यक्रम सत्याग्रह होगा, उसके बाद जेल भरो आंदोलन होगा। हम लोग वैसे रोड पर घर पर जो भूखे मरेंगे, इसलिए यही मरने के लिए आए हैं। दैनिक वेतन भोगी वन कर्मी संघ के बैनर तले दरभंगा वन क्षेत्र प्रमंडलीय पदाधिकारी डीएफओ के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से डीएफओ से मांग किया जा रहा है, जो डीएफओ आज पूर्व सूचना के बावजूद अपने कार्यालय से अनुपस्थित था, जिसकी मैं आपके माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से निंदा करता हूं। और इस बात की शिकायत अभी मैंने अपने मोबाइल से जो है माननीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार को भी हमने दे दिया है कि आपका पदाधिकारी डीएफओ यहां सामंती है और वो यहां लगातार अनुपस्थित रहते हैं। हमारा कर्मचारी जो दैनिक वेतन भोगी मजदूरी करते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय मिलता है, मजदूरी मिलती है, इसके अलावा कहीं कुछ है नहीं।
वह भी मजदूरी आज किसी का 15 माह का, किसी का 14 माह का, किसी का 8 माह का, किसी का 6 माह का, इस प्रकार से जो है बकाया सरकार को आवंटन दे रही है। अभी बजट पास हुआ है, बजट में आपने देखा है कि पर्यावरण विभाग के द्वारा बजट जो है मजदूरों के लिए भी, दैनिक मजदूरों के लिए भी, कर्मचारियों के भुगतान के लिए भी बजट में शामिल किया गया है और सभी जिला वन प्रमंडलीय पदाधिकारी को जो है हस्तगत करा दिया गया है। फिर भी यहाँ फर्जी ढंग से जो मजदूर काम कर रहा है पूर्व से, आज से 20 वर्ष 30 वर्ष 15 वर्षों से, ऐसे मजदूरों को दरकिनार करते हुए, उपेक्षा करते हुए अपने सगे संबंधी और अगल बगल के जिनमें उनको कमीशन मिलता है, यदि मजदूरी 100 रुपया है तो 75 रुपया का गबन करना, 25 रुपया उसको दे करके उसको जो है विदा करना, ये नीति है यहाँ की। इस नीति के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि जितने भी मजदूरों का बकाया राशि है उसका अविलंब भुगतान किया जाए और सरकार की घोषणा के अनुसार सभी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा अविलंब जो है समायोजित करते हुए, सेवा सामंजस्य का समायोजन का लाभ देते हुए स्थायी की जाए, और जिनके खाता में पहले से भी पैसा जमा है, पैसा कटा है, इन लोगों का पीएफ का पैसा कटता है, उसका भी कोई लेखा जोखा नहीं है, इन लोगों को कहीं का भी भुगतान नहीं हो रहा। मजदूरों के साथ यहाँ के वन पदाधिकारी सामंती जैसा व्यवहार करते हैं, रेंजर जो होते हैं, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी होते हैं वन रेंजर पदाधिकारी, वो जो है मजदूरों का शोषण करते हैं, मजदूरों का फर्जी मास्टर रोल तैयार करते हैं, फर्जी जो है उनका काम का जो है सो रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार करते हैं और उसके आधार पर जो है लूट मचा हुआ है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम आपके माध्यम से हम बिहार सरकार के मांग भी कर रहे हैं कि दरभंगा में बिहार राज्य जो वन प्रमंडलीय पदाधिकारी जो यहाँ के DFO हैं, यहाँ के जो विभाग की जो कार्यकलाप है उसकी जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो है उस स्तरीय जांच की जाए और दोषी पदाधिकारी को जो है तो सजा दी जाए और मजदूरों के पक्ष में जो है न्याय प्रदान किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम श्रमिक प्रकोष्ठ के बैनर तले जो है यह आंदोलन और तेज होगा। हम चूंकि सत्ता में है, हमने मंत्री जी से बात किया है, मंत्री जी का आश्वासन मिला है इन लोगों को न्याय देने की, और बहुत जल्द ही शीघ्र ही हम लोगों का प्रतिनिधि मंडल, कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल पटना जाकर के मंत्री जी से भी मिलेंगे और माननीय मंत्री जी के बात से हम लोग जब आश्वस्त हो जाएंगे, उम्मीद है उनसे जैसी बात हुई है उम्मीद है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को यहाँ से जाना सस्पेंड होना। आपका नाम क्या हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा श्रमिक प्रकोष्ठ। काम करना होगा, बच्चों से कार्यरत दैनिक मजदूरों की सेवा स्थायी करनी होगी, बच्चों से कार्यरत दैनिक मजदूरों की सेवा स्थायी करनी होगी। काम करते आ रहे हैं उसमें सरकार जो पैसा देती है, सरकार के द्वारा हुआ है गरीब का पैसा का शोषण दोहन नहीं हो, इसलिए RTGS के माध्यम से उसके खाता में पैसा भेजना था। अब 100 रुपया अगर सरकार देता है मजदूरी के लिए, उसमें 25 पैसा मजदूर के बीच में भुगतान होता है, 75 पैसा है गमन, दूसरे आदमी अपने संबंधी के अकाउंट में भेज करके फिर पैसा वापस मंगा लेते हैं। जब गरीब गुरबा कहता है कि हमारा मजदूरी क्या हुआ, तभी साहब सब कहते हैं कि सरकार पैसा देगा तो मजदूरी का भुगतान होगा, और इसी का प्रभाव, दुर्गामी प्रभाव सरकार के ऊपर भी पड़ता है। गरीब गुरबा सोचता है कि हमसे काम ले लिया गया लेकिन पैसा सरकार हमको नहीं दे रहा है, जबकि सरकार पैसा दे रहा है, बजट में जितना ही पैसा आता है 100 पैसा मिलता है, लेकिन ये लोग फोर्स भाउचर बना के सारे पैसे का गमन कर रहे हैं। जो गरीब गुरबा काम कर रहे हैं मजदूरी के अभाव में भुखमरी के कगार पर हैं, EDFO साहब जब से आए उनको चिट्ठी दे रहे हैं कि आप मिल करके आपस में बात करके समस्या निदान कीजिए, जबकि देश स्तर पर भी बड़े बड़े समस्या का निदान बातचीत के द्वारा होता है, यहाँ इनको चिट्ठी पर चिट्ठी देते हैं। ये अपमान समझते हैं कि हम IFS हैं, मजदूर से कैसे बात करें, और बात करना नहीं चाहते हैं।
आज भी इनको चिट्ठी दिए थे कि हम लोग प्रदर्शन लेके आएंगे, आप कार्यालय में रह के हम लोग का समस्या समाधान कीजिए, लेकिन आज भी वो नहीं है कार्यालय में। वह मजदूरों को मैंने बात करना, मजदूरों के समस्या सुनना, वे अपना अपमान समझते हैं, हम लोग का मजबूरी है, इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन लेके आए हैं। हमारा अनिश्चितकालीन धरना, सत्याग्रह, घेरा डालो, डेरा डालो, अमरनसन, जब तक हमारा समस्या का निदान नहीं होगा हम लोग यहाँ से वापस। क्या नाम है आप? कमल देव प्रसाद सिंह, परमंडलीय अध्यक्ष। अच्छा, ये लोग कहाँ से आए हैं, क्या ये सब हैं? ये लोग सुरक्षा श्रमिक है, वंश मजदूर है और जी वनकर्मी है, और ये लोग दरभंगा जिला के भी है, बेनीपुर 5 रेंज पड़ता है इस डिवीजन के अंतर्गत, दरभंगा और मधुबनी दोनों जगह के, बेनीपट्टी, झंझारपुर, बेनीपुर 5 जगह के ये लोग श्रमिक के काम करते आ रहे हैं, और ये लोग आए हैं अपना बकाया मजदूरी भुगतान।